वन रैंक वन पेंशन करके लगातार हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। सैनिक जो है नाराज हैं इस सरकार से। 24 में जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें ईंट से ईंट बजा देंगे। और हम लोग जवान अफसरों का बूट पॉलिश करना पड़ता है। क्यों क्यों उनका नौकरी हम लोग वन रैंक वन पेंशन बोलकर हमको धोखे में रखा। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से कि हमारी अपील को सुनो, इस अफसर ने हमारे लिए खाई खोदी है, अफसर को दिल्ली से उठा कर ले की चोटियों में भेज दो। एक विधान एक देश, दो कानून हमारे लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए क्यों? आप रोजाना पूछते थे कि जंतर मंत्र पे कितने आदमी हैं, तो आज देख लो पैर रखने की जगह नहीं है। सरकार चाहे तो एक मिनट में समाधान कर सकती है। हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारा नारा अभी नहीं तो कभी नहीं, जीतो या मरो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनहित आवाज, देश की आवाज, बुलंद आवाज। और मैं साक्षी शाह इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। लगातार जो पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज लोगों का एक विशाल धरना प्रदर्शन, और आप देख सकते हैं अलग अलग तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों से लोग मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। पहले तो आपके चैनल को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सभी को जगबीर जज्जर की तरफ से राम राम, जय हिंद, जय किसान एकता, जय जवान एकता। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, जज्जर जिले से। सर, जिस तरह से 20 फरवरी से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपकी विसंगतियाँ हैं उनकी मांगी कर रहे हैं, कुछ सरकार ने सुनी इस बारे में? सरकार ने कोई नहीं सुनी है ना, तो सरकार ने, पहले तो ये कहता हूँ जो भी भूतपूर्व सैनिक है मैं उनको सबको बधाई देता हूँ आज हाथ जोड़ के, क्योंकि जो हमारी आवाज के सुनने के बाद इस जंतर मंतर से जो मूज उबड़ा है, यहाँ जंतर मंतर पर आया है, मैं हर एक भूतपूर्व सैनिकों को आभार प्रकट करता हूँ। इस जंतर मंतर से अपील की थी मैंने ही कि इस जंतर मंतर पर पैर रखने की जगह नहीं है आज। मैडम देख रहे हो आप रोजाना पूछते थे कि जंतर मंत्र पे कितने आदमी हैं, तो आज देख लो पैर रखने की जगह नहीं है। मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से कि एक विधान एक देश, दो कानून हमारे लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए क्यों? क्योंकि एक अफसर के लिए हो गया, एक जवान और जैसी उसका जो एक हाथ कट जाता है जवान का, उसको 60,000 रुपये मरिया सरकार निपटा देती है, और एक अफसर का कट जाए तो उसका 2.5 लाख रुपये। या खाई क्यों कहते हैं एक देश एक विधान एक संसद, तो ये हमारे लिए दो कानून क्यों? यह रिक्वेस्ट करते हैं प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री से कि हमारी अपील को सुनो, और जो ये जमुई उतरे है इस देश का, पूरे नागालैंड से आया है, मणिपुर से, त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, मैं भूतपूर्व सैनिकों को सभी को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ जंतर मंतर की जमीन पे अपील करने के लिए आए हो। मैं इनका सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द 3 सदस्य रिटायरमेंट जनरल जो जज हैं वे बिठाए जाए, उसके बाद हमारी कमेटी रखी जाए, और तभी हमारा निपटारा हो सकता है। जिस अफसर ने हमारे लिए खाई खोदी है, उस अफसर को दिल्ली से उठा कर ले की चोटियों में भेज दो, ताकि हमारी दोबारा संगतियां खराब ना करे। इस पार्लियामेंट में, रक्षा मंत्रालय में जो भी IPS अफसर हैं उनसे ये कहता हूँ कि वे जल्दी से जल्दी इनको एक कानून बनाए, जो IPS अफसर है उसकी 5 साल की ट्रेनिंग ले में करवा दे, जहाँ कौवा भी नहीं रहता वहाँ सैनिक रहता है। सर, लगातार 6 महीने हो गए इस धरना प्रदर्शन को, सरकार नहीं सुन रही है, अब आप क्या लोग करना चाहेंगे जिस तरह से तमाम लोग मौजूद हैं अलग अलग राज्यों से?
देखो मैडम, हम तो लगातार जो है ना धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं, और पहले की सरकारों ने किए हैं। मुलायम सिंह के टाइम में जब वो रक्षा मंत्री थे, पांचवा पे कमीशन मंजूर हो गया था, सब कुछ हो गया था, उन्होंने कैंसिल करवा के बदलवाया है। सरकार चाहे तो एक मिनट में समाधान कर सकती है, और अब सरकार ने ये नहीं किया तो आज या जूम को देख करके पता लग जाएगा, और लाखों जो है सैनिक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी धरना प्रदर्शन किए हुए हैं इस सरकार के खिलाफ। 24 में जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें ईंट से ईंट बजा देंगे। सैनिक जो है नाराज हैं इस सरकार से। एक तो इन्होंने जो है अग्निवीर चला दिया 4 साल का, उससे नाराज। दूसरा ये जो है ना पे में बहुत विसंगतियां हैं। हमारे भाई झज्जर से बोल रहे थे, मैं कैप्टन सुरेश तंवर पूर्व पार्षद हूँ, एक्स काउंसलर हूँ भिवानी से, भिवानी हरियाणा से आए हैं, और हम हमेशा आते रहते हैं। हमारी एक्स सर्विसमैन लीग भी है, इसमें जन कल्याण समिति भी है, सारे भिवानी के संगठन आज इधर उपस्थित हुए हैं और सब भारी रोष में हैं। 20 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और हम 20 तारीख से हमेशा इसको मदद कर रहे हैं वहाँ से भी। केरला से आए सर आप? अब्दुल मजीद, मैं केरला से मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से आया है। मैं इसलिए आया है कि हमारा देश की प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारा देश की होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हमारा देश की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनसे हम नम्र निवेदन करता हूँ। हम लोग बड़ा झुक के हम बोलना चाहता हूँ, क्यों हम वन रैंक वन पेंशन, आपने 1 करोड़ दिया है तो उसमें ओनली 1 लाख जवानों को दिया है, और बाकी पूरा सारे 99% अफसरों ने ले गया है, अफसरों के माँ पिताजी अफसर अगर हॉस्पिटल में। आपको पेंशन मिलती है? हमको पेंशन मिलती है, लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन में क्या कर दिया इन्होंने कि हमारा अफसरों ने 99% उन्होंने ले गया और हमको 1% दिया। जिसी अस्पताल में हमारा माँ बाप अगर एडमिशन होगा तो हम नीचे सोएंगे, अफसर सूट में अच्छा रूम में सोएंगे, क्यों भेदभाव कहीं ना कहीं हो ना ना। और हम लोग जवान अफसरों का बूट पॉलिश करना पड़ता है, क्यों क्यों उनका नौकरी हम लोग देश का खिदमत करता है। और दूसरी बात, जब -40 डिग्री पर ग्लेशियाचिन ग्लेशियर में हमारा जवानों ने नींद खोल कर आँख को बंद न करते हुए देश का इज्जत करता है, इसलिए इन लोग शासन करते हैं। जब हमारा जवानों ने आँख खोल के ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पर, तभी तो इन लोग यहाँ पे बिजनेस करता है, इन लोग MLA MP बनता है। लेकिन हमारा बात सुने हो क्यों, अगर कार लेगा तो इनोवा हम नहीं कर सकता है, इनोवा हम खरीद कर सकता नहीं, हम लोग बेंच कार नहीं कर सकता है, हम लोग सादा सादा मार दी छोटा कार करने के लिए मजबूर होना पड़ता, क्यों अफसरों को सब कुछ मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। अस्पताल में, ECHS में, CSD कैंटीन में, सब में ये भेदभाव होता है। इसी भेदभाव के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, हमारा नारा अभी नहीं तो कभी नहीं, जीतो या मरो, ये हक हम लेते रहेंगे लेने तक। हम सैनिक एकता, भारत माता की, भारत माता की। कहाँ से आए हैं सर? हम पूर्वी चंपारण बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आया। जिस तरह से आप लोगों ने भूख हड़ताल कर ली, लगातार 6 महीने ऊपर हो गए हैं आप लोगों की मांग को लेकर, जो विसंगति है उनके ऊपर कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, आज के धरना से क्या हो जाएगा? आज के धरना से उनकी जो है दिमाग कुछ खुलेगा। अच्छा। अगर वो विश्वास थोड़ा सा भी हमारे प्रति होगा, हमारे प्रति थोड़ा भी होगा, तो वो सोचेंगे। अगर नहीं सोचेंगे तो 24 में जो चुनाव आ रहा है उनको बहुत बड़ी 2024 में पक्ष सत्ता जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि हम ही आएंगे, भाजपा सरकार ही आएंगे, हमारे पास बहुत ताकत है, हम पूर्व सैनिक बहुत ज़्यादा है, हर जिला में है, हर जगह है, हमारे पूर्वज हैं, बच्चे हैं, हमारी जो भी है, वो नहीं देंगे, इनका बहिष्कार करेंगे। इसलिए कि हमारे साथ जो विसंगतियाँ की है, हमारे साथ जो भी इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, वो वन रैंक वन पेंशन बोलकर हमको धोखे में रखा, पूरा JCO जितना भी जूनियर कमीशन है उनको वॉकआउट किया, उनको बाहर कर दिया, ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। हम ईंट से ईंट बजाएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, जान देने के लिए तैयार हैं, जबकि हमारे बाद में जो हमारे फौजी जो लड़के आएंगे उनको फ़ायदा हो, हमारा हम लोगों का तो जो भी है वो 10%। थैंक यू।
जिसको हर कॉन्सिक्वेंसेस से फ्री रखा गया है उसको आप कम नहीं कर सकते। जिस तरीके से पे कमीशन होते हैं, महंगाई का स्तर बढ़ता चला जाता है, उस रेशो में पे एंड पेंशन दोनों ही बढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो सेवेंथ पे कमीशन हुआ है, वो सेवेंथ पे कमीशन में इंटेंशनली मेरा मानना है भारत सरकार के द्वारा ऐसी रूलिंग्स स्थापित कर दी गई हैं कि पेंशन कम हो गई, डिक्रीज हो गई इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्रीजिंग, बिकॉज डे बाई डे महंगाई बढ़ती है तो इंक्रीज होनी चाहिए थे। अब इसके पीछे लॉजिक एक है जो मैं जो 100% प्रूव्ड लॉजिक है वो मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि जितने भी पे कमीशन आज़ादी के बाद आज तक हुए हैं उन सारे पे कमीशन के माध्यम से जो पे तो अभी पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है, पेंशन सब्जेक्ट रह जाता है, तो जितने भी पे कमीशन हुए हैं सब ने जो पेंशन का निर्धारण किया है वो इस आधार पर किया था कि 50% ऑफ द पे स्केल 50% ऑफ द पे स्केल, कौन सा पे स्केल, जिस रैंक में वो रिटायर हो रहा है। अब वो 50% भी हमें समझना होगा, यानी अगर एक व्यक्ति हवलदार रैंक में रिटायर हो रहा है तो सिक्स्थ पे कमीशन तक रूलिंग यह था, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे ऑनरी कैप्टन हो, चाहे सिपाही हो, कि जो पे स्केल का लास्ट मैक्सिमम अमाउंट है यानी वेतनमान का जो अंतिम फिगर है उसका 50% दिया जाता था अब टू सिक्स्थ पे कमीशन। और सेवेंथ पे कमीशन के अंदर ये रिवीजन कर दिया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा कि जो रिटायरमेंट के टाइम पर पे बन रही है उसकी, ये नहीं कि जो मैक्सिमम है उस पे स्केल का जो लास्ट अमाउंट है उसका 50% न करके रखा 50% ही, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर जो तनख्वाह बन रही थी, जो पे बन रही थी उसका 50% दिया। अब ये हर व्यक्ति के समझने की इतनी आसान बात नहीं है, जो प्रैक्टिकली इस चीज़ से डीलिंग में रहे सेना में वो लोग इसको अच्छी तरीके से उजागर कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझना होगा कि किसी एक हवलदार का वेतनमान ये समझ लीजिए कि 20,000 से लेकर के 40,000 तक है, यानी कोई हवलदार सेनामी इनिशियल स्टेज से जब शुरू करेगा तो 20,000 तो उसका मिनिमम होगा, यहाँ से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम 40,000 एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। तमिलनाडु से बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, जवान का, जेसीओ का वन रैंक वन पेंशन करके लगातार हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। हमने इसलिए कांग्रेस सरकार को घर भेज के बीजेपी को लाया है। अगर बीजेपी भी इस तरीके हमें बेवकूफ बनाएंगे, इनकी सबक इसी 2024 में। आपके भाई लोगों ने ही कहा है कि वो भाजपा सरकार से खुश नहीं है, प्रधानमंत्री ने जो वन रैंक वन पेंशन की बात करी है उस पर वो कार्य ज्यादा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इनकी किटलर राज समझ के कर रहे हैं। करेगा तो हम अच्छे से इसी सरकार को भी कर भेज देंगे। इसलिए जो देशभक्ति हमारे पास है, देशभक्ति से हम लोग सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा साथ अन्याय कर रहे हैं, हमें इतने साल बेवकूफ किया है, आगे बेवकूफ करने नहीं देंगे। जो बेवकूफ हमें समझेंगे उनको अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। उनके तमिलनाडु एक सर्विसमैन तरफ से इसी सरकार को पूरी तरह से घर भेजने के काम पूरा आज से शुरू हो गया। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी, जो जितने भी पूर्व सैनिक है वो अलग अलग राज्यों से आए, कोई बिहार से आए, कोई मध्य प्रदेश, कोई पंजाब, तो कोई अलग राज्य से, सारे तमाम लोग जो आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि किस तादाद में आज लोग हैं मौजूद हैं, इनके अंदर जो आक्रोश है इनके विसंगति को लेकर वो उस पर अटल है। आपकी क्या राय विचार है, अपनी प्रतिक्रिया ना भूले। कैमरा पर्सन हरिंदर के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।